चले जाओ सस्ते रेट पर पटा के मुर्गा छाप 12 रुपये का मिल जाएगा। और अनार है हमारे को काफ़ी सस्ते सस्ते 70 रुपये का डब्बा मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आप आइए तो सही एक बार दुकान में आओ, पटाखे ले जाओ, पटाखे 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 ले जाओ ले जाओ ले जाओ, सब ले गए तुम रह गए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी इस वक्त बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सभी के लिए एक और नया वीडियो बनाने की तैयारी में हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी जो भी सीज़न चल रहा है वो फेस्टिव सीज़न, यानी कि सभी त्यौहार आए, धनतेरस, दीपावली। तो मैंने आप सभी लोगों को कम्युनिटी में शुभकामनाएँ प्रेषित कर दी थी और आप लोगों ने देखा भी था। हालाँकि मैंने वीडियो नहीं बनाया, उसका ये कारण था कि इस बार हमारी दीपावली नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर फैमिली में ही हमारे चाचा जी पिछले साल एक्सपायर हो गए थे। और फिर यहाँ पर ऐसा ही होता है कि उससे एक साल तक कोई भी त्यौहार नहीं मनाए जाते और श्राद्ध देने के बाद भी एक बड़ा त्यौहार नहीं मनाया जाता। तो श्राद्ध दे दिया था, तो श्राद्ध के बाद से बड़ा त्यौहार दीपावली ही आ रहा था, तो फिर हम लोगों ने दीपावली नहीं मनाई। तो लेकिन अब इससे आगे जो भी त्यौहार आएंगे तो उन्हें सभी लोग मनाएंगे। तो यहाँ पर दीपावली के 11वें दिन में अब एकादशी आती है, जिसे कि इगास कहते हैं, जो हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व भी है। तो बस आज इगास की ही खरीदारी करने हम पास के मार्केट में जा रहे हैं। तो किस मार्केट में जा रहे हैं ये सब कुछ मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी। तो बस आप लोग बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा आज का ये वीडियो। जा रही हूँ बैजर मार्केट। तो कुछ खरीदारी तो हमने उसी मार्केट से ही कर ली थी, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा कुछ दिखाना है तो इसलिए बैजर मार्केट की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे की ओर आप लोग देख सकते हैं तो काफ़ी लोग पैदल आ जा रहे हैं और इसी रूट से मैं आप लोगों को पहले भी बैजरो की तरफ ले गई थी। तो यही पुल से आगे राइट हैंड साइड की तरफ ही बैजरो है, जो मेन रूट है बैजरो का। लेकिन आज मैं आप लोगों को नए रूट से लेकर जाना चाहूँगी। तो ये आगे की तरफ आप लोग देख सकते हैं और ये कनेरा चौखाल वाली रोड है। तो चलिए इसी रोड से होकर के चलते हैं आज बैजरो, क्योंकि मुझे इस रोड पर आप लोगों को कुछ और भी दिखाना है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और यहीं से दूसरी तरफ अगर आप लोग देखें तो वहाँ आप लोग देख सकते हैं तो वो है बैजरो का मेन रूट। और इस तरफ से दूसरी तरफ बैजरो का जो व्यू दिखाई देता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जो बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं बैजरो के ठीक दूसरी तरफ हूँ और आगे से ही अब मैं पुल से होकर के बैजरो की तरफ जाऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ आगे की तरफ आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे आप लोगों को दिखाना था जो यहाँ पर बनाया गया है व्यू पॉइंट। और ये बनाया गया है पौड़ी की ही जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय श्रीमती शांति देवी जी के द्वारा। तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं और यहाँ से कौन कौन से शानदार से व्यू दिखाई देते हैं। तो चलिए पहले वो सब दिखाते हैं आपको भी। ये बनाया गया है 2 मंजिला। तो नीचे की तरफ भी यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है और ये सीढ़ियों से चल कर के फिर ऊपर की तरफ आप लोग जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहले चलते हैं हम नीचे की तरफ। तो चलिए नीचे की तरफ बैठने के बाद अब चलते हैं सीढ़ियों से ऊपरी मंजिले में और वहां पर दिखाते हैं आपको। तो मैं पहुंच गई हूं ठीक ऊपरी मंजिले में और यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं तो चारों तरफ सीट है बैठने को और चारों तरफ से सेफ्टी के लिए बाउंड्री भी की गई है। तो चलिए यहाँ से अब आपको दिखाते हैं चारों तरफ के नज़ारे। तो यहीं से ठीक दूर आप देख पा रहे होंगे तो वो बैजरो मार्केट है और ये पास में मटेला का तलाई है। और यहीं से नीचे की तरफ अगर आप लोग देखें तो आप लोग यहाँ से पूर्वी नया नदी का शानदार सा नज़ारा देख सकते हैं। और नदी के ही दूसरी तरफ यानी कि पल्लीपार रोड के ऊपर तोलू गाँव और नदी के इस तरफ मटेला गांव और मटेला महादेव मंदिर के दर्शन आराम से कर सकते हैं। और साथ ही हरे भरे पेड़ पौधे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और खुला आसमान। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि गर्मियों के लिए तो यहाँ पर बहुत अच्छा है, काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और सर्दियों की अगर हम बात करें तो हवाएं ठंडी होने से और ज़्यादा ठंड यहाँ पर लगेगी, लेकिन धूप भी पूरी है यहाँ पर। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए। अब हम लोग भी यहाँ से निकलते हैं आगे की ओर, और यहीं से दूर आप लोग ये पुल देख पा रहे हैं, तो बस यहीं से पैदल निकलते हैं आगे बैजर मार्केट की ओर। तो हम लोग पहुंच गए हैं आप ठीक बैजरो मेन मार्केट में, और यहां पर आते ही आप लोग देख सकते हैं लोगों की काफ़ी भीड़ भाड़, चारों तरफ हर तरह के सामान से सजी हुई दुकानें। और यहीं पर आगे की तरफ ये फ़ोटोज़ वगैरह, पटाखे और सुंदर सुंदर सी ये फूल मालाएँ भी हैं, और पास में ही बर्तनों की दुकान। और इस तरफ, तो इस तरफ भी आप लोग देख सकते हैं बाहर की तरफ ये दुकानें सजाई गई हैं पटाखों की, हर तरह के पटाखे यहाँ पर। और आसपास दूर गांव से काफ़ी लोग यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आए हैं। तो और इस तरफ सभी दुकानदार लोग भी प्रॉपर तरीके से दुकानदारी को करते हुए, संभालते हुए। तो ये इस तरफ ये पूजा का सामान, और यहाँ पर ये बर्तन वगैरह। तो गाइस, आप लोगों को बता दूं कि ये जितनी भी वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, ये कुछ धनतेरस और कुछ दीपावली और कुछ एकादशी से कुछ दिन पहले की हैं। तो जब हम लोग यहाँ पर गए थे तो सभी को मैंने मिक्सअप करके आप लोगों के लिए ये वीडियो बना दिया है कि फेस्टिव सीज़न पर हमारे घर, गांव, पहाड़ों का जो मार्केट होता है वो किस तरह से लगता है। तो काफ़ी अच्छी रौनक इस समय लगती है बाकी और दिनों की तुलना में। तो चलिए आगे आगे भी आप लोगों को दिखाते हैं। और क्या वीडियो बना रहे साहब? छोटे भाई है, छोटे ना उसका नाम हैप्पी दीपावली। हैप्पी दीपावली है भाई। आओ पटाखे ले जाओ, पटाखे पटाखे पटाखे। अबे मेरा नहीं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, सब ले गए, तुम रह गए। आओ दिवाली बम्पर ऊपर बम्पर ऊपर। हर तरीके के पटाखे मिल जाएंगे। ये बम है, पटाखे हैं, क्रॉकरी का आइटम है, थर्मस है, फोटो है भगवान की, फूल, पटाखे, नमकीन, गट्टे, मूंगफली सब मिल जाएंगे। पटाखे ले जाओ, सस्ते रेट पे पटाखे। मुर्गा छाप 12 रुपए का मिल जाएगा, और अनार है हमारे पास काफ़ी सस्ते सस्ते, 70 रुपए का डब्बा मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें, आप आइए तो सही एक बार दुकान में, आपको सब सेवाएँ मिलेंगी। बैजरों में मेन मार्केट में दुकान है, सामने दूसरी दुकान है हमारी, और ये हमने पटाखों की दुकान लगा रखी है। तो सामने एक और दुकान है हमारी सब्जी की, आप वहाँ से फल सब्जियाँ भी ले सकते हैं। सुविधाएँ सारी उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स, पूरा मार्केट घूमते घूमते हम लोग आ गए हैं अब नीचे की तरफ, और ये बैजो का बस अड्डा है। और यहाँ पर आगे की तरफ से ये बस भी आ गई है। तो ये सैंधार वाली बस है, और दोपहर के टाइम पे यहाँ पर पहुँच गई है। तो आप लोग देख ही सकते हैं। काफ़ी टैक्सियाँ और काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। तो त्यौहार के टाइम पर इस तरह की रौनक बाज़ार में जब देखने को मिलती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो आप लोग भी देख सकते हैं, ये देखिए तो बच्चे भी यहाँ पर सभी आए हैं ख़रीदारी करने के लिए। हैप्पी दिवाली भाई। और इस तरफ आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर ये हर तरह की मिठाई भी रखी हुई है। तो त्यौहार हो और मिठाई की बात ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए पहले ले लेते हैं मिठाई और फिर बढ़ेंगे अपने मार्केट की ओर आगे। तो बिल्कुल शुभकामनाएं लेते हुए देते हुए और ढेर सारी ख़रीदारी करने के बाद बढ़ते हैं अपने मार्केट की ओर आगे। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर बैजरों का पूरा मार्केट दिखा रही हूँ। तो ये इस तरफ भी आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये मतलब हर तरह की शॉप पर आप लोगों को भीड़ देखने को मिल ही जाएगी। कुछ ना कुछ कस्टमर यहाँ पर हैं ही, क्योंकि ये शुभ अवसर होता है जिस अवसर पर सभी लोग कुछ ना कुछ अपने लिए ख़रीदना चाहते हैं। तो बस यहाँ पर भी काफ़ी लोग मतलब हैं। और ये ऊपर की साइड भी आप लोग देख सकते हैं तो कुछ इस तरीके से छोटी छोटी दुकानें भी हैं। और यहाँ पर तो पंखा भी चल रहा है, तो वैसे तो आप पंखे की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ऊपर की साइड थोड़ी सी धूप है तो शायद गर्मी हो रही हो मार्केट में। तो चलिए अब मेन मार्केट से चलते हैं नीचे की तरफ। और यहाँ पर भी काफ़ी दुकानें हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए। नमस्कार नमस्कार, ठीक ठाक। और यहीं पर आगे की तरफ तो चाचा जी भी यहाँ पर ख़रीदारी करने आए हैं और चाय का आनंद ले रहे हैं। तो चलिए चाचा जी से ज़रा सा जान लेते हैं कि उन्हें बाकी दिनों की तुलना में आज अपना ये बैजरो मार्केट कैसा लग रहा है। उसका दिवाली का मौका तो ज़्यादा नई नई जनरेशन देखने को मिल रही है। मेरे को पटाखे वटाखे ले रहे हैं बच्चे, अच्छा लग रहा है। कोरोना काल से जो है यहाँ पे आदमी की जो है देखने के लिए मिल नहीं रहे हैं। आज तो छुट्टी के कारण बच्चे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, पटाखे वटाखे ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है माहौल। तो बिल्कुल सही कि यहाँ पर इस तरह की रौनक देखकर बहुत खुशी होती है। और वाकई में मतलब ऐसा लगता है कि काश इस तरह की रौनक हमेशा हमारे घर गांव पहाड़ों के बाज़ार में होती तो फिर कैसा रहता। तो चलिए फिर भी कोई नहीं, कम से कम त्यौहार पर तो इस तरह की रौनक देखने को मिल रही है। तो ये आगे की तरफ दिए वगैरह भी खरीदने यहाँ पर देखिए आप लोग कस्टमर आए हुए हैं। तो हम लोगों ने भी यहाँ से अब अपनी ख़रीदारी कर ली है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को धनतेरस, दीपावली और एकादशी से पहले बैजरों का मार्केट का ये नज़ारा कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, एकादशी यानी कि इगास के लिए हम लोगों ने ढेर सारी ख़रीदारी कर ली है। और अब ये पर्व हम लोग किस तरह से मनाते हैं, क्या कुछ खास करते हैं, तो वो सब कुछ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। और आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट और लाइक से आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो बस मिलूँगी आप सभी से आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।